खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। अट्ठाईस अप्रैल संगठन विस्तार और राजस्थान में चुनावी तैयारियों के साथ आम आदमी पार्टी राजस्थान की कार्यकर्ता संवाद यात्रा गुरुवार 28 अप्रैल को उदयपुर पहुंची। कार्यकर्ता संवाद यात्रा के यहां पहुंचने पर आम आदमी पार्टी जिला उदयपुर की ओर से चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा का भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। यहां पहुंचने पर आम आदमी पार्टी राजस्थान की चुनाव प्रभारी और दिल्ली द्वारका के विधायक विनय मिश्रा ने निर्धारित कार्यक्रम अनुसार उदयपुर संभाग के नए एवं पुराने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इसके साथ ही बहुत बड़ी तादाद में नए लोगों ने विनय मिश्रा से मुलाकात कर पार्टी में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा ने स्थानीय स्तर पर आयोजित पत्रकार वार्ता और कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। साथ उन्होंने पत्रकारों को बताया कि उदयपुर संभाग में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार और महंगाई, महिला सुरक्षा की मूल समस्याओं से निपटने के अलावा संभाग स्तर पर चल रही अन्य ऐसी समस्याएं एवं योजनाएं जिनका निराकरण पिछले सरकारें 38 सालों से भी नहीं कर पाई, जिनमें उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना, पत्रकारों के वर्षों से लंबित समस्याओं का निराकरण, ई मित्र संचालकों की समस्याओं का समाधान, आयोजन नदी सौंदर्यकरण, संविदा कर्मियों को नियमित करना जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं। सरकार बनने पर पुरजोर कोशिश उन पर काम किया जाएगा। मिश्रा ने पत्रकारिता वार्ता में बताया कि उदयपुर संभाग में राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले आते हैं, जिनमें स्थानीय समस्याओं का आकलन कर बृहद स्तर पर दिल्ली मॉडल की तरह ही कार्य में तेजी लाई जाएगी। राज्य की जनता को समस्या से जल्द राहत प्रदान की जाएगी। पर्यटन विकास और पानी की समस्या पर ध्यान दिया जाएगा। बलात्कारियों पर शिकंजा कसा जाएगा। पुलिस की शक्ति को मजबूत कर अपराधों पर अंकुश लगाने का काम आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से करेगी। इन सभी कार्यों को करने के लिए संभाग में संगठन विस्तार के समय ईमानदार और कर्मठ लोगों को उचित और सही जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए, हमने संगठन को मजबूत करने के लिए राजस्थान का दौरा बनाया है। हमने तीन चरण में इस कार्यक्रम को लिया है। पहले चरण में हम संभाग वाइज जा रहे हैं, दूसरे चरण में पहला चरण हमारा 24 जनवरी तक 2 मई तक का था, जिसमें मैं और मेरे संगठन दुष्यंत यादव जी हम सभी संभाग में जा रहे हैं। दूसरा चरण में हम लोग शुरू करेंगे, उसमें 200 विधानसभाओं में हम लोग 10 से 25 मई के बीच हमने कार्यक्रम रखा कि 200 विधानसभाओं में जाएंगे। उसके बाद ग्राम पंचायत में हम लोग जाएंगे। तो हमने 3 महीने का ये लक्ष्य रखा कि 3 महीने में हम लोकसभा से लेकर जिला, जिला से लेकर विधानसभा और विधानसभा से लेकर नीचे ग्राम पंचायत तक का हम लोग संगठन बनाए, ताकि आम आदमी पार्टी मजबूत विकल्प का हम लोग दो हफ्ते के अंदर राजस्थान में कोई केंद्रीय दल पलट नहीं पाया है, ऐसे में कितनी चुनौती बढ़ जाती है। देखिए, आज आम आदमी पार्टी श्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पूरे देश में अब ईमानदारी की मिसाल बन रही है। और आज जब से हमारी पंजाब में सरकार बनी है, आज लोगों को हमारी पार्टी में भरोसा होगा। आज हर एक बेरोजगार नौजवान, उत्पीड़ित महिला, बुजुर्ग, जो हमारे पुरुष घर बैठे जो परेशान है आज वर्तमान संस्थानों से, वर्तमान सरकारों से, उनके लिए आम आदमी पार्टी की योजना जो होगी। और राजस्थान में जब से मैं प्रभारी बनाऊँ, बहुत सारे लोग आज आम आदमी पार्टी सदस्य रहना चाहते हैं। मेरे पास कई सामाजिक संस्थाएँ जो अच्छा काम कर रही है, धार्मिक संस्थाएँ, नौजवान संस्थाएँ जो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बहुत सारे संस्थानों के लोग और आज आम आदमी पार्टी का काम करके पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। राजस्थान में एक तीसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को बनाना चाहते हैं। देखिए, हम वहाँ जाकर सबसे पहले तो हम अपने देश के रूरल लीडर्स, चाहे वो प्रदेश स्तर के हों, लोकसभा स्तर के हों, विधानसभा स्तर के हों, जिला स्तर के हों, जो संगठन था पहले, उनसे हम मिल रहे हैं। और नई भी जो ज्वाइनिंग्स आ रही हैं, हम उनसे मिल रहे हैं। पहले उनसे बात कर रहे हैं, उनकी बात सुन बिल्कुल